आइए आइए आइए, हमारे होने वाले पोते के पिता बैठिए। पंडित जी शुरू कीजिए। जी, ये पुत्र कामेष्ठी पूजा है और शेखर बाबू की कुंडली में पुत्र प्राप्ति का योग है। ये सारी पूजा और ये विधान शेखर जी को पुत्र प्राप्ति के लिए किया जा रहा है। और वो औरत जो उन्हें पुत्र देगी, कहने का मतलब है उनकी धर्म पत्नी, वो सामने आ जाए। कुछ ढंग का पहन ओढ़ लेते, ऐसे ही आ गए। कैसा लग रहा है अभी? अरे आप कहाँ चली छोटकी दुल्हन? पंडित जी बोले हैं कि धर्म पत्नी आए तो इसलिए हम बैठ रहे थे। बोले हैं छुटकी दुल्हन, लेकिन अब आपका समय समाप्त हो चुका है। काहे से कि पंडित जी कहे कि जो औरत शेखर को पुत्र देगी वो यहां बैठे। और वो योग्यता आपका अंदर नहीं। बाकी आप परिवार की सदस्य हैं, बैठिए, इस पूजा पाठ में खुशी में हिस्सा लीजिए, जलसा कीजिए। लेकिन पूजा में नव की दुल्हन ही बैठी। रही हमरी नाव की दुल्हिन, मुंह फाड़ के का देख रहे हैं? अरे सोहर वोहर गाइए, रौनक लगाइए। अरे हम जाना था कि सोहर बच्चा पैदा होने के बाद गाया जाता है, और अभी पुत्र पैदा नहीं हुआ। लेकिन अब हमारा पोता पैदा होने से कोई नहीं रोक सकता।
भी पूजा होने के बाद पुत्र पैदा होगा ही होगा।